इंटेल वर्सेस एएमडी 2020 के टाइम पे यहाँ पर कौन सा बेस्ट रहता है? तो एएमडी ने तो अपना काम कर दिया है इंटेल को बीट करके, राइजन सीरीज़ को निकाल के। तो इंटेल वर्सेस एएमडी में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। तो स्टार्टिंग हुआ था 14 नैनोमीटर से, अभी वो पहुंचा है 7 नैनोमीटर तक। तो राइजन की जो फर्स्ट सीरीज थी, एएमडी राइजन की जो फर्स्ट सीरीज थी, वहाँ पर 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी देखने मिली जेन की, और जेन कोर्स के बाद में जेन प्लस आया जो 12 नैनोमीटर्स पे काम करते थे। अभी जो है वो जेन 2 कोर्स यहाँ पर 7 नैनोमीटर्स पे काम कर रहे हैं। तो इंटेल के प्रोसेसर जो है यहाँ पर अभी भी 14 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं, जो 10 जनरेशन के प्रोसेसर्स है। तो जब ये इंटेल अपग्रेड करेगा अपने प्रोसेसर्स को 7 नैनोमीटर्स पे, तो थोड़ा बहुत सा कम्पीट कर सकता है एएमडी के साथ। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया है आपको बताने के लिए कि इंटेल वर्सेस एएमडी में कौन सा बेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। तो एएमडी का हमने राइजन 93900X अनलॉक प्रोसेसर यहाँ पर एक सिलेक्ट किया है। उसके बाद वाला भी प्रोसेसर है जो कि 16 कोर्स वाला है, बट हम फिलहाल 12 कोर्स के साथ कंपेयर करते हैं। इंटेल का जो i9 10 जनरेशन प्रोसेसर है 10920X, यहाँ पर उसके साथ कंपेयर किया है, ये भी 12 कोर 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। तो हमने सिमिलर कोर्स को यहाँ पर कंपटीशन पे लगा दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर AMD Ryzen 93900X का जो प्रोसेसर है, डेस्कटॉप प्रोसेसर, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन से कम्पीट करता है। बात करें पावर एफिशियंसी, पावर कंजम्पशन, परफॉर्मेंस के बारे में, तो AMD का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है बस 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर कम है इंटेल से, बट मल्टी कोर प्रोसेसर में ये पूरा बीस्ट बन जाता है, जो बीस्ट यहाँ पर इंटेल के i9 10 जनरेशन प्रोसेसर को बीट कर देता है। और आपको पावर कंजम्पशन ज़्यादा मिलती है AMD में, तो यहाँ पर 105 TDP यहाँ पर पावर कंजम्पशन यूज़ करता है, जो कि यह 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जेन 2 कोर्स के प्रोसेसर से। यहाँ पर आपको प्रोसेसर काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाला है और इसका पावर कंजम्पशन अच्छा होने वाला है, तो इसकी वजह से आपका प्रोसेसर जो है वो हीट होने के चांसेस बहुत कम है। और इंटेल में आपको इतना पावर कंजम्पशन नहीं मिलता, AMD में देते हैं, यहाँ पर उसका पावर कंजम्पशन 165 वैट का है, जिसकी वजह से आपको प्रोसेसर को जो पावर सप्लाई वो ज़्यादा लेगा, कंजम्पशन ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा लेने के बाद उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर वो बिल्डअप करेगा, तो उसके लिए उसका जो हीटिंग है वो यहाँ पर जनरेट होता है, तो हीट जनरेशन इंटेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर हीट जनरेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इंटेल की यहाँ पर कूलिंग फैंस की वजह से भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको AMD जो है वो इनबिल्ट कूलिंग फैंस आपको प्रोवाइड करता है, जो RGB के रहते हैं या फिर कूलिंग फैन प्रोवाइड करते हैं, एक सूटेबल कूलिंग फैन जो होता है AMD प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंटेल में आपको मिलता नहीं है ऐसे कूलिंग फैंस। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि कौन सा कूलिंग फैन बेस्ट रहेगा, कौन सा फ़ैन यूज़ करें, तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन AMD यहाँ पर आपको सॉर्ट आउट करके देता है कि आपने ये प्रोसेसर लिया है, आपके प्रोसेसर के साथ ही कूलिंग फैंस मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, आपको गेमिंग में काफ़ी तबला तोड़ रिकॉर्ड मिलने वाला है FPS पे। AMD के राइजन 9 जनरेशन या फिर AMD के राइजन के कौन से भी प्रोसेसर आप लोग 3rd जनरेशन या फिर 2nd जनरेशन के, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग के मिलने वाले, और बेस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग के सिर्फ वो प्रोसेसर ही हैंडल कर सकता है, आपको ग्राफिक कार्ड की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस करना हो तो आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, ताकि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस मिल जाए। जो AMD Ryzen 5 सीरीज़ है यहाँ पर, उसके थोड़े लोअर वर्जन्स भी आते हैं, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, लेकिन आपको प्रोसेसर का जो अनलॉक वर्जन होता है वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलता। ये परफॉर्मेंस हैवी वर्किंग के लिए यूज़ होता है, इसके लिए अनलॉक प्रोसेसर होता है, यहाँ पर आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर इंटरनल ग्राफिक कार्ड्स देखने को नहीं मिलता, बट गेमिंग हैंडलिंग जो है वो AMD Ryzen काफ़ी अच्छे से करता है। तो चलिए अभी कोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों को यहाँ पर सिमिलर है, 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स आपको मिल जाएंगे। AMD Ryzen 9 का जो बेस क्लॉक है यहाँ पर 3.8 GHz तक है, और जो इंटेल का है वो है 3.5 GHz, और AMD का टर्बो बूस्ट करेंगे तो आपको 4.6 GHz तक का क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इंटेल को ओवरक्लॉक करोगे तो यहाँ पर आपको 4.8 यानी कि लगभग 5 GB का यहाँ पर क्लॉक स्पीड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और परफॉर्मेंस भी आपको वैसे ही मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हीट होगा इस प्रकार, और यहाँ पर TDP जो है वो ज़्यादा यूज़ करेगा।
लेकिन यहाँ पर AMD Ryzen 9 ने या फिर AMD Ryzen के कौन से भी प्रोसेसर्स ने TDP को इतना मेंटेन किया है कि आपका प्रोसेसर जो है वो कंपेटिबल रहेगा हर एक सिचुएशन में। और AMD Ryzen में आपको PCIe 4.0 के वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि नए वर्जन्स यहाँ पर PCIe के आपको देखने को मिलेंगे। और AMD में आपको जो RAM मिलेगी वो है 3200 MHz की, लेकिन आपको Intel में जो मिलती है वो 2666 MHz की RAM मिलती है। यहाँ पर Intel कोशिश तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर 2666 MHz दे देता है। AMD में आपको मेमोरी चैनल्स 2 मिलते हैं और Intel में आपको 4 मिलते हैं, तो मेमोरी चैनल ज़्यादा होने के कारण आपका जो परफॉर्मेंस है वो AMD का बना रहता है लेकिन Intel का मैच नहीं करता AMD के साथ। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन से देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर AMD बीट करता है। बस सिंगल कोर में उसका थोड़े से पॉइंट्स कम है लेकिन ये एक अफोर्डेबल प्राइस पे आता है। जी हाँ, AMD Ryzen के जो प्रोसेसर्स है वो काफ़ी बेस्ट और काफ़ी चीपर क्वालिटी में आते हैं एज़ कम्पेयर टू Intel प्रोसेसर्स। आपको AMD का जो 9th जनरेशन 3900X प्रोसेसर है वो लगभग 65,000 तक मिल जाता है, और जो यहाँ पर Intel के i9 10th जनरेशन 10920X प्रोसेसर है इसकी जो प्राइस है वो लगभग 88,000 की प्राइस है इंडिया में। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग रेंज है यहाँ पर Intel का ज़्यादा है बहुत, और AMD का काफ़ी चीपर रेट में मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और प्राइसिंग भी अच्छा मिले। यहाँ पर AMD काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है आपको, बेस्ट एफिशिएंसी देने वाला है, बेस्ट स्टेबिलिटी देने वाला है और बेस्ट आपको बजट फ्रेंडली मिलने वाला है। तो यहाँ पर हुआ डेस्कटॉप की बात, तो डेस्कटॉप की इसमें तो AMD ने अपना पकड़ जमा के रखी है। तो बात करते हैं अभी लैपटॉप्स में भी AMD के Ryzen प्रोसेसर देखने मिलते हैं, लेकिन लैपटॉप्स में जो Intel के प्रोसेसर है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस देते लेकिन वो हीटिंग काफ़ी यहाँ पर इश्यूज़ बनते हैं। मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन किया था Asus के यहाँ पर लैपटॉप्स, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो, और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने दो गेमिंग लैपटॉप्स को कंपेयर किया था, दोनों लैपटॉप्स का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम था, बस प्रोसेसर AMD और Intel के थे, तो आप जाके वो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने कंपेयर किया था, तो यहाँ पर जो गेमिंग लैपटॉप था Intel का तो वो लैपटॉप काफ़ी हीट हुआ था, काफ़ी यहाँ पर कूलिंग के लिए यहाँ पर उसके फैंस टर्बो फैंस काफ़ी ऑन हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर AMD की बात करें तो उनके फैंस जो है वो साइलेंटली काम कर रहे थे इवन आफ्टर हाई एंड गेमिंग। मैं गेमिंग खेल रहा था लेकिन इतना कुछ गर्म नहीं हुआ, इतना कुछ हीटिंग का इश्यूज़ नहीं आया था AMD के प्रोसेसर्स में। तो लैपटॉप्स में अगर आप हीटिंग के यहाँ पर देखोगे तो AMD का जो प्रोसेसर्स होंगे तो वो ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस या फिर पावर एफिशिएंसी देंगे। जो Intel के लैपटॉप्स हैं वो सिंगल Intel के कौन से भी प्रोसेसर्स ऑलमोस्ट सिंगल कोर के लिए फेमस है। सिंगल कोर का जो उसका परफॉर्मेंस होता है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी कोर प्रोसेसर्स, जबकि यहाँ पर उनके सिंगल कोर के प्रोसेसर मैच करने की ट्राई कर रहे हैं अभी, बट यहाँ पर उसके थोड़े कम होते हैं पॉइंट्स में, लेकिन मल्टी कोर प्रोसेसर्स में वो काफ़ी बेस्ट बन जाते हैं। तो देखिए, लैपटॉप्स अगर लोगे तो आपको है ना सोचना पड़ेगा कि आप Intel के प्रोसेसर्स लोगे तो यहाँ पर आपको है ना हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा और उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि आपको TDP जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। और लैपटॉप्स का जो बात करें AMD की तो उसमें आपको TDP कम मिलता है क्योंकि आपको Zen 2 कोर्स मिलते हैं जो कि उसका नैनोमीटर्स कम है, उसकी जो पावर कंजम्पशन है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका पावर एफिशिएंसी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा, लैपटॉप की बैटरी भी ज़्यादा टिकेगी, आप लैपटॉप को काफ़ी एफिशिएंसली यूज़ कर सकते हो। तो AMD Ryzen की सीरीज जो बनी है वो पावर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस बिल्डिंग के लिए बनी है, तो गेमिंग के लिए AMD Ryzen सीरीज काफ़ी बेस्ट यहाँ पर बनती है। और अगर वीडियो रेंडरिंग की बात करें तो Intel भी यहाँ पर कम्पीट करता है, दोनों के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाएंगे आपको। AMD के अभी जो नया सीरीज है 4000 सीरीज लैपटॉप के लिए जो निकाल रहे हैं Ryzen के, तो वो बेस्ट बन जाते हैं, Intel को कहीं भी रास्ता नहीं मिल जाता कम्पीट करने के लिए, वो एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बनेगा या फिर बेस्ट हार्डकोर लैपटॉप बन जाता है। तो वो लैपटॉप्स बाय करने के लिए मैं बहुत सारा रिकमेंड कर दूंगा आपको, क्योंकि 4000 सीरीज इज़ द बेस्ट सीरीज बाय AMD Ryzen। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करने जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स के साथ बहुत सारे कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो ये था AMD वर्सेस Intel के 2020 सीरीज में कौन सा बेस्ट रहने वाला है प्रोसेसर। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको पसंद आया जरूर से लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आप सॉल्व हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू GTX, और हाँ साथ ही साथ घंटे पर दबा देना। बाय।